आज हम फ्लाई करने वाले हैं ईटानगर से जीरो सिर्फ 20 मिनट में। दिस इज द फर्स्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया। इसमें आप उड़ान भर सकते हैं मात्र 800 से 900 रुपए में। इस एयरक्राफ्ट में जो है आपको सारी सीट्स विंडो मिल जाती है। दिस इज अ 1x1 कॉन्फ़िगरेशन। बाकी कॉकपिट जो इसके पीछे है एंड इसमें जो है आपको एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी हम काफी नीचे से उड़ते हैं ना, इसलिए नेटवर्क भी है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी कर सकता हूँ। आज का व्लॉग देखने के बाद आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा इंडियन होने के नाते। हैशटैग आत्मनिर्भर भारत। देवी और सज्जनों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग देखने के बाद आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा इंडियन होने के नाते। आज का दिन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा कमाल का। आज हम फ्लाई करने वाले हैं इन द फर्स्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया। आप अगर फ्लाइट्स की बात करें, आपने मोस्टली दो कंपनीज के नाम सुनी होंगी, एक है बोइंग, दूसरा एयरबस। दोनों के एयरक्राफ्ट जो है बाहर बनती है, बट अब और नहीं, इंडिया का हल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बना दिया है पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट। दिस इज अ डॉर्नियर 228। इसको ऑपरेट किया जाता है अलायंस एयर के द्वारा। आज का व्लॉग इतना ज़्यादा स्पेशल है कि मैं इसमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी रखना नहीं चाहता, इसलिए जो मेरी पास्ट फ्लाइट से अलायंस एयर के साथ वो मैं एक बार के लिए भूलना चाहूँगा, सिर्फ आज के लिए, और उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है। फिलहाल मैं हूँ ईटानगर में एंड आज हम फ्लाई करने वाले हैं फ्रॉम ईटानगर टू ज़ीरो। ज़ीरो अगर आपको नहीं पता, एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अरुणाचल प्रदेश में। एंड यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल, जो कि साल में एक बार होता है। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं। ईटानगर का जो एयरपोर्ट है वो है होलोंगी में। होलोंगी है आसाम अरुणाचल बॉर्डर, वहीं पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। उस साइड है अरुणाचल प्रदेश, उस साइड है आसाम। आजकल पता नहीं ये ट्रेंड चला हुआ है, जो भी एयरपोर्ट सरकार बना रही है वो सिटी के बहुत बाहर बन रही है। तो सिटी से एयरपोर्ट है लगभग 1 घंटा। सस्ते में आने की उपाय ये है कि आप ईटानगर के गंगा ऑटो स्टैंड से शेयर सुमो ले लो होलोंगी का। यहाँ तक आपको छोड़ देंगे 200 रुपये में। फिर यहाँ से जो है आप बैटरी रिक्शा या ऑटो लेके एयरपोर्ट जाओ, जो कि अनदर 100-150-200 रुपये लगेंगे। जो ईटानगर से ज़ीरो की डिस्टेंस है वो अक्सर सुमो या ट्रैवलर कवर करती है 5 से 6 घंटे में, या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, प्लस लैंडस्लाइड्स का डर एंड बाकी सब चीज़ें। आज हम फ्लाई करने वाले हैं ईटानगर से ज़ीरो सिर्फ 20 मिनट में। एंड दूसरी बात, आज हम फ्लाई करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। जो फ़्लाइट का फेयर मैंने पे किया दैट इज़ ओनली 800 रुपीज़। एंड ये 800 रुपये का फेयर पॉसिबल हो पा रहा है उड़ान स्कीम की वजह से। उड़े देश के आम नागरिक, जो भी रीजनल सेक्टर्स है वो उड़ान स्कीम पे चलती है। फेयर इसमें काफ़ी सस्ते होते हैं ताकि जो आम लोग हैं वो फ्लाई कर पाएँ। एंड अलायंस एयर की अच्छी बात यही है कि वो उड़ान स्कीम पे चलती है और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करती है। ऐसे एयरपोर्ट जहाँ पे इंडिगो या कोई और नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे अलायंस एयर जा के सर्विस दे रही है, भले ही उनकी फ़्लाइट खाली चल रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, फ्लाइट में भी 3.5 घंटा है, तो एयरपोर्ट के लिए चलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से भी होलोंगी से भी लगभग 7-8 किलोमीटर है, जो कि आई थिंक बैटरी वाले रिक्शा में 1/2 घंटा लगेगा। दिखाता हूँ आपको होलोंगी का नया एयरपोर्ट। वहाँ से फिलहाल डिब्रूगढ़, पासीघाट, ज़ीरो, गुवाहाटी और कोलकाता की फ़्लाइट चल रही है। एंड ये जो अलायंस एयर की डॉर्नियर है ना, ये और भी रूट्स पे सर्विस दे रही है सिर्फ 800-1200 रुपये में। तो वो मैं आपको एयरपोर्ट चल के बताता हूँ। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, ईटानगर के डोनी पोलो हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। एंड अरुणाचल प्रदेश के लोकल लैंग्वेज में यह है डोनी पोलो जात जरकू रियांग, मतलब डोनी पोलो एयरपोर्ट। टर्मिनल कुछ इस तरह से है एंड जो इसका कैंपस है वो मुझे काफ़ी हरा भरा लगा। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो है और बड़ा टर्मिनल होगा और फ्लाइट्स होंगी टू रेस्ट ऑफ इंडिया। एक बात डेफिनेटली बोलनी पड़ेगी कि सरकार नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट है, 7 तक जो है ट्रेन पहुंच गई है, भले ही बॉर्डर्स तक पहुंची है बट पहुंच गई है। एंड सिक्किम तक भी जो है लाइन बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्यूचर के 3-4 सालों में जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, 7 स्टेट्स 7 सिस्टर्स, वो बहुत ही अच्छे से रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड हो। अच्छा, फ्लाइट में भी 3 घंटा है बोल रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट में एंट्री नहीं होती। मतलब मैं तो पहली बार ये रूल सुन रहा हूँ। पूरे इंडिया में इतने जगह पे गया हूँ, बाहर इतने एयरपोर्ट्स में गया हूँ। एक्चुअली जो CISF के जवान है वो बोल रहे हैं कि अलायंस के स्टाफ आए नहीं तो हम आपको अंदर एंट्री नहीं दे
सकते। वैसे यहीं पे फ्लाईबिग और अलायंस एयर दोनों के काउंटर्स है। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसमें हम आज फ्लाई करने वाले हैं एंड यहाँ पे अलायंस एयर का फिलहाल जो शेड्यूल है वो दिया हुआ है। बाकी फ्लाईबिग है द एयरलाइन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, पिछले साल मैंने इनके साथ जर्नी करी थी। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के नेटवर्क को अच्छे से पकड़ लिया है। आप डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, तेजू, पासीघाट, अगरतला, हर जगह की फ्लाइट्स है। अच्छा, एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही मॉडर्न। अंदर से यहाँ पे एंट्री होते ही एक आपका एक्सरे है, वहाँ पे सारे चेक इन काउंटर्स है, यहाँ पे जो है एक कैफ़े है एंड एक जो है सोवेनियर शॉप है। जो सबसे बढ़िया बात मेरे को आजकल लग रही है वो ये कि जो एयरपोर्ट्स है, रेलवे स्टेशन्स है, बस स्टैंड्स है, वहाँ पे ये सब पेंटिंग्स मतलब जो प्रमोट कर रही है यहाँ की ट्रेडिशंस को, यहाँ के कल्चर को। तो ऊपर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो सब ऊपर पेंटेड है। बाकी अभी बैग एक्सरे कराना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा चेक इन में। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, वहाँ से कुछ खाते पीते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे जो है फिलहाल मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ एंड द कॉफ़ी इज़ 100 रुपीज़। मतलब मेरे हिसाब से ना एयरपोर्ट के एस्थेटिक के साथ प्राइस बदलते हैं। देखिए आइजॉल एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट, इनमें कॉफ़ी मेरे को 30-50 रुपये की मिली, यहाँ पे 100 रुपीज़ की। दिल्ली एयरपोर्ट में जाएंगे 300-400 रुपये। एनीवेज अभी तक चेक इन चालू नहीं हुआ तो वेट करते हैं उसके लिए। बाकी पीछे जो एक VIP लाउंज है जो कि नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर VIPs। अच्छा, माई चेक इन इज़ डन। मैं बता दूँ ये फ्लाइट खास है, इसमें सब सीट जो है विंडो है एंड जो मेरी सीट है दैट इज़ 3C। आज का जो फ्लाइट लोड है दैट इज़ 2 पैसेंजर्स ओनली, मैं और एक मैम, बस 0 जा रहे हैं। तो एक अलग मज़ा है, एक अलग फीलिंग है। चलते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अलायंस एयर का नेटवर्क क्या है। चेक इन सिक्योरिटी इज़ डन। ये है एयरपोर्ट का सिटिंग एरिया, ये भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ क्योंकि आपके लिए मे बी एयरपोर्ट नया हो। कुछ इस तरह से सिटिंग एरिया है एंड आई थिंक यहाँ पे बराबर से एक एयरबस 320 के पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। वहाँ पे वॉशरूम से एक जो है स्मोकिंग रूम है एंड यहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर है। अलायंस एयर की जो डॉर्नियर फ्लाइट चलती है उसका नेटवर्क मैं बता देता हूँ। उस पे जो टाइपरेटेड पायलट से वो लिमिटेड ही है, तो इसलिए वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन उड़ती है। 2 दिन ऐसे उड़ती है डिब्रूगढ़ तेजू डिब्रूगढ़ ईटानगर, ईटानगर पासीघाट, पासीघाट ईटानगर, फिर ईटानगर डिब्रूगढ़, हो गए पायलट के 8 घंटे पूरे। और बाकी जो हफ्ते में 2 दिन है वो ऐसे चलती है डिब्रूगढ़ तेजू डिब्रूगढ़, फिर डिब्रूगढ़ ईटानगर, ईटानगर 0-0 ईटानगर, ईटानगर डिब्रूगढ़। तो इन सेक्टर्स में आपको जो ये वाली फ्लाइट मिल जाएगी एंड इसमें बैठने की एक अलग ही फीलिंग है। तो छोटा सा एयरक्राफ्ट है इसलिए एक पैसेंजर को लेफ्ट में और एक को राइट में बैठना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो CG डिस्टर्ब हो जाएगी। बड़े फ्लाइट्स में ये सब दिक्कत नहीं होती, मगर छोटा एयरक्राफ्ट है, हल्का एयरक्राफ्ट है तो ये ज़रूर होगा। बाकी जो मेड इन इंडिया बोल रहा हूँ, जो डिज़ाइन है वो डॉर्नियर का है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो हल ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिलहाल अलायंस एयर के पास उनका एक ही एयरक्राफ्ट है, दैट इज़ VTKNP। उम्मीद करते हैं कि आज की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। सो आई थिंक आप यहाँ से कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, पासीघाट, 0 और डिब्रूगढ़ फ्लाइट में जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली साइड में नया टर्मिनल बन रहा है, तो उम्मीद करते हैं फ्यूचर में यहाँ से बैंगलोर, यहाँ से चेन्नई, यहाँ से मुंबई, सब जगह की फ़्लाइट्स रहेगी। दूसरी बात, हम जा रहे हैं 0। 0 एक ऐसी एयरफील्ड है जहाँ पे बारिश में या ख़राब मौसम हो जाने पे लैंड नहीं कर सकते। तो बस प्रे कीजिए कि अच्छा वेदर हो, वरना जो है वहाँ से घूम के वापस आ जाना पड़ेगा, क्योंकि देर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इन 0। जब तक रनवे की एक मिनिमम विजिबिलिटी नहीं रहेगी पायलट वहाँ पे लैंड नहीं करेगा। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा वेदर हो। बाकी फ्लाइट की बुकिंग जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं, अलायंस एयर की वेबसाइट है या जो भी प्राइवेट वेबसाइट है, सब कुछ मैंने किया इज़ माई ट्रिप से, क्योंकि उनका कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगता। ये रहा अगले 12 घंटे का वेदर फोरकास्ट एंड 0 मोस्टली क्लियर ही है, मगर 0 के आसपास बहुत बारिश हो रही है। विजिबिलिटी इज़ 5 किलोमीटर, सीलिंग इज़ 1800 फीट एंड जो विंड स्पीड है वो काफ़ी कम है, तो आई थिंक हम इजीली पहुंच जाएंगे। टाइम इज़ 11:30, अपना फ्लाइट जो है आ चुका है। बहुत ही छोटा सा एंड बहुत ही प्यारा सा एयरक्राफ्ट है, इट्स अ 16-सीटर एयरक्राफ्ट। फ्लाइट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। द रेंज इज़ 1100 किलोमीटर्स, जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी दैट इज़ 430 किलोमीटर्स पर आवर, एंड जो इसका वेट है दैट इज़ ओनली 3800 किलोग्राम्स। एंड दिस एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड फॉर STOL यानी शॉर्ट टेकऑफ्स एंड लैंडिंग्स, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट 0 तक पहुंच पा रही है, वरना 0 में जो एयरफील्ड है वहां से ATR या एयरबस टेक ऑफ नहीं कर सकती। ऑल्सो यहाँ पे नया टर्मिनल बन रहा है, सो आने वाले सालों में एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। आगे जो है ATC का बिल्डिंग बन रहा है एंड दैट इज आवर एयरक्राफ्ट। This is the first passenger aircraft made in India. इसमें आप उड़ान भर सकते हैं मात्र 800 से 900 रुपए में। #आत्मनिर्भर भारत। So ये है अपनी एयरक्राफ्ट एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का लिखा हुआ है उड़े देश के आम नागरिक एंड आत्मनिर्भर भारत।
थैंक यू। नमस्ते मैम। इस एयरक्राफ्ट में जो है आपको सारी सीट्स विंडो मिल जाती है। दिस इज़ अ 1x1 कॉन्फ़िगरेशन एंड इसमें टोटल 16 सीट्स है। फोर्थ रो एंड सेवेंथ रो इमरजेंसी एग्जिट्स। सो एमिनिटीज एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रे टेबल है, बाकी कॉकपिट जो इसके पीछे है एंड इसमें जो है आपको एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं हर सीट के आगे। एक है माई सीट इज 3C एंड दिस इज़ अ टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट। इट्स माई फर्स्ट टाइम इन डॉर्नियर। उम्मीद है कि काफ़ी मज़ा आएगा। ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है तो बोर्डिंग हो गया बहुत जल्दी। द फ्लाइंग टाइम टू जीरो माइट बी लेस दैन 20 मिनट्स। चलिए निकलते हैं फ्रॉम ईटानगर। टेक ऑफ रन वे इज 08। इस वाले फ्लाइट में मज़ा आएगा। काफ़ी नीचे से उड़ते हैं ना, इसलिए नेटवर्क भी है। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी कर सकता हूँ। दूसरी बात, इस एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी कम पायलट्स के पास टाइप राइटिंग है, इसलिए फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही उड़ता है। एंड जो भी पायलट्स हैं ऑल आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, ऑल आर एक्स IAF पायलट्स। तो सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है, आँख बंद करके मैं इसमें बैठ सकता हूँ भले ही मौसम कैसा हो। तो जो लोग डरते हैं ना कि छोटा सा प्लेन है, टर्बोप्रॉप प्लेन है, क्या होगा, पायलट्स आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। बाकी जस्ट सी द व्यू।
0 में आपका स्वागत है। टेम्परेचर आउटसाइड इज 25 डिग्री। लैंडिंग हुआ रनवे 36 में, एंड जैसे मैंने बोला था कि विजुअल अप्रोच है, तो पायलट सबसे पहले एक बार घूम के गया, देखते कि रनवे सेफ है कि नहीं, उसके बाद आए लैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हैप्पी लैंडिंग्स। ऑल्सो 0 जो है एक मिलिट्री बेस है, जिसकी वजह से टर्मैक पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं लिया, इट इज़ नॉट अलाउड। अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ अपने बैगेज का। ये है अराइवल, ये है एयरलाइंस का काउंटर, एंड ये है डिपार्चर्स। बहुत ही छोटा सा टर्मिनल है। फिलहाल आ चुका हूँ एयरपोर्ट के बाहर, मगर यहाँ पे कोई भी टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं है। आई थिंक किसी और सेक्टर में मुझे फ्लाई करना चाहिए था, मे बी यू नो ईटानगर, डिब्रूगढ़ और समथिंग एल्स, बट कोई नहीं, 0 आना था मुझे। मज़ा आया इस वाली फ्लाइट में। बाकी फ्लाइट जो है 0 में सिर्फ 2 ही दिन आती है। बाकी जो मैम थी ना फ्लाइट में मेरे साथ, उन्होंने पहले मेरी वीडियोज़ देख रखी थी। उन्होंने बोला कि आप रिसेंटली बांग्लादेश गए थे, एंड मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी, वो गुवाहाटी ईटानगर वाला APSTS की। अरुणाचल प्रदेश में मेरी वीडियोस खूब चले थे। उम्मीद है कि ये वाला भी आप लोग देखेंगे। ये वाला अगर आप देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर मैं दोबारा आऊँगा एक बार अरुणाचल सीरीज़ करने। मैंने सोचा कि 0 इतनी अच्छी जगह, ऊपर से इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, तो थोड़ा सा जो है घूम के भी आपको दिखाएंगे, मगर वो होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे टैक्सी वैक्सी नहीं है, तो थोड़ा सा पैदल चल के देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, कोई ना कोई होटल ढूंढता हूँ सबसे पहले। अच्छा, तो अगर आपके पास ऑलरेडी अरेंज गाड़ी नहीं है, तो टैक्सी वगैरह एयरपोर्ट के सामने नहीं मिलता। मुझे भी अभी काफ़ी दूर चलना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास, एयरपोर्ट की बाउंड्री पकड़ के ही चल रहे। जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि देर इज़ डेफिनेटली अ नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड गुवाहाटी, बियॉन्ड शिलोंग एंड बियॉन्ड दी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। ये जो सिटी है 0, काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे सितंबर के महीने में होता है एक ज़बरदस्त म्यूजिक फेस्टिवल। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा 0 की कुछ अच्छी जगहें। फिलहाल जा रहा हूँ होटल ब्लू पाइन, उन्होंने रेट मेरे को बोला है 1120 रुपये, अब जाके वो बात करना पड़ेगा। 0 के जो लोग हैं, डेफिनेटली वो 5-6 घंटे की हेक्टिक जर्नी स्किप करके वाला फ्लाइट ले सकते हैं, प्रोबेबली ऑन ट्यूजडेज एंड सैटरडेज। एंड अगर आपको आगे जाना है कोलकाता दिल्ली, तो डेफिनेटली 0 से फ्लाइट लीजिए ईटानगर, देन ईटानगर से जो है आप पहुंच जाएंगे कोलकाता। वो चिंता करना ही नहीं है कि पहले यहाँ से 6 घंटे सुमो जर्नी में आप पहुंचो ईटानगर, फिर ईटानगर से जो है बस लेके गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से फ्लाइट लेके जाओ। उम्मीद है कि अलायंस एयर अपने सर्विस को कायम रखेगा। दे आर रियली कनेक्टिंग रियल इंडिया, जो जगह है जहाँ पे बाकी एयरक्राफ्ट पहुँच नहीं पाती, उन्होंने उसको डॉनियर के साथ कनेक्ट करा है। उसके लिए सबसे पहले मैं अलायंस एयर का धन्यवाद करता हूँ। जो पास्ट में हुआ है उसको मैंने साइड इसलिए रखा है क्योंकि द एयरक्राफ्ट वॉज मेड इन इंडिया, एंड इस वाले व्लॉग में मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही चाह रहा था। और दूसरी बात, फ्लाई वीक भी अपने नए एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है, ट्विन ओटर, एंड वो यहाँ पे चलाएगा कि वो देहरादून साइड चलाएगा, मुझे इस वक्त नहीं पता। फ्लाई वीक भी बहुत अच्छा है, उसने भी नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से कनेक्ट कर रखा है। इस बार शायद उनके साथ जर्नी नहीं हो पाई। आइडिया ही नहीं था कि इस साइड से जो है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, वरना यार कैमरा मैं रेडी रखता। एनीवेज, अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, टैक्सी का नामो निशान नहीं है। अच्छा, बहुत देर चलने के बाद एक सर ने लिफ्ट दे दिया था, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आ चुका हूँ होटल ब्लू पाइन। रूम टूर वगैरह या सिटी टूर वगैरह सब कुछ रहेगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी आए और साथ हर मंगल शुक्र आपके साथ।